हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज भेजा है, ये दो फोल्डर्स भेजे हैं मैंने। द अमेरिकन ड्रीम हैज़ चेंज ओवर टाइम, क्या अमेरिकन ड्रीम आपका जो अमेरिकन लिटरेचर जो पेपर है आपका, उसमें से है ये अमेरिकन ड्रीम वाला। द बिगनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ द अमेरिकन ड्रीम कैन बी ट्रेस्ड टू द फाउंडिंग फादर्स हु डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ इन अनएलिनेबल राइट्स। Those men believed people inherently possess the rights of to life, liberty and the pursuit of happiness. देखिए, उस टाइम की बात है जहाँ पर पॉप और चर्च का बहुत ज़्यादा राज था। अब वहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया है, मॉडिफिकेशन आ गया। ये ड्रीम सोचने लगे कि वी हैव द ड्रीम ऑफ लिबर्टी, वी हैव द ड्रीम ऑफ फ्रीडम। तो उस टाइम की बात है ये, जब ये इंग्लैंड में जो ये बिलीव थोड़ा सा चेंज होने लग गया। दे क्रिएटेड अ कंट्री वेयर पीपल कुड ब्रेक फ्री फ्रॉम क्लास रिस्ट्रिक्शंस एंड परस्यू द लाइफ दे चोज डिस्पाइट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर बर्थ। चाहे वो पैदा कहीं से भी हुए हों, ब्लैक और वाइट, और वो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उनको रोक नहीं सकते और वो अपना लाइफ जो है अपने आप परस्यू, अपने आप बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये बिलीव स्टार्ट हो गया था इनमें। सो दिस इज़ द ड्रीम। In time, writers dubbed this idea the American dream, but people's definition of the American dream has changed greatly over time. Term to kafi time pehle evolved hua tha, but according to the decades, you know, the philosophy changes day by day. The origin kahan hai American dream jo hai, jo origin hai iska, liya gaya hai from a historian author James Tuslow Adams, theek hai, in 1931 mein. As Americans suffered through the Great Depression, Adams wrote a book called The Epic of America. तो डिप्रेशन के साथ गुजर रहा था अमेरिकन्स, बहुत ज़्यादा गुजर रहे थे। तो उस टाइम में एडम्स ने एक लिखा था द एपिक ऑफ अमेरिका, इन विच ही स्पोक ऑफ, जिसमें उसने लिखा था ए लैंड इन विच लाइफ शुड बी बेटर एंड रिचर एंड फुलर फॉर एवरी वन। मतलब आज़ादी के ख्याल डाले गए हैं, देखो कि हर तरह से हम रिच सोच सकते हैं, कम्प्लीटली सोच सकते हैं, इन दैट वे विथ अपॉर्चुनिटी फॉर ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी और अचीवमेंट। हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले उसके अकॉर्डिंग, उसके स्किल के अकॉर्डिंग, रिगार्डलेस ऑफ फोर्टी टू ईयर्स सर्कमस्टेंसेज ऑफ बर्थ और पोजिशन। भाई उसके बावजूद, किसके बावजूद, उसका किस घर में पैदा हुआ है, किस कॉम्प्लेक्शन के साथ है वो। इन द बिगनिंग द अमेरिकन ड्रीम सिंपली प्रोमिस्ड ए कंट्री इन विच पीपल हैड द चांस टू वर्क देयर वे अप थ्रू देयर ओन लेबर एंड इंजेनिटी। तो कह रहे हैं कि एक ड्रीम देखा है इन्होंने कि सिर्फ देश ऐसा हो, अमेरिका ऐसा हो, जहाँ पर हर किसी को चांस मिले अपना काम करने का, अपनी खुद की मेहनत और खुद की जेन्युइन रीजंस के साथ। इमिग्रेंट्स फ्लेड द एंट्रेंस क्लास रेस्ट्रिक्शंस ऑफ देयर होमलैंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन द होप ऑफ ऑब्टेनिंग लैंड एंड गेनिंग रिलीजियस एंड अदर फ्रीडम्स। और वहाँ पर इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आए, जहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्लास रेस्ट्रिक्शंस वगैरह ख़त्म है या फ्रीडम बहुत दी जा रही है। रेवोल्यूशनरीज फ्लड इंग्लैंड इन सर्च ऑफ फ्रीडम। तो रेवोल्यूशनरी जो हैं वो इंग्लैंड में आए, फ्रीडम को अपन मिले उनको, इसलिए। दिस प्रॉमिस ऑफ ए बेटर लाइफ अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और महज एक कि फ्रीडम का जो ख्याल था ना, इस वजह से काफ़ी लोग यहाँ खींचे आते थे यूनाइटेड स्टेट्स में। दे केम टू अमेरिका रेडी टू वर्क हार्ड। एवोल्यूशन ऑफ द अमेरिकन कब एवोल्यूट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? कॉलोनियल अमेरिका सॉ द ड्रीम रियलाइज्ड इन द इंटरैक्शन अमंग क्लासेस। ये ड्रीम कब देखा, जब अमेरिका ने देखा कि अलग अलग लोग आके यहाँ पर बसने लग गए कम्युनिटी के, अब वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। पीपल ऑफ द टाइम रोट अबाउट द न्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ इक्वालिटी। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस डाला जहाँ पर इक्वालिटी दिखाई दे रही है उनको। एम्प्लॉयज़ कुड स्पीक ओपनली टू देयर एम्प्लॉयर्स एंड बिलीव दैट विद डेडिकेशन दे कुड इम्प्रूव देयर स्टेटस। तो एम्प्लॉयज़ को मौका मिल रहा था कि वो ओपनली बोल सकते हैं अपने मालिक को और बता सकते हैं कि कैसे वो अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं स्टेटस को। ड्यूरिंग वेस्टवर्ड एक्सपेंशन द अमेरिकन ड्रीम लेड मेनी टू रेस फॉर लैंड एंड लिव रग्ड लाइव्स ऑन द फ्रंटियर। तो जहाँ पर वेस्ट एक्सपेंशन के चक्कर में जब अमेरिकन ड्रीम जो है कहाँ गुजर रही थी, वो लैंड ऐसे ऐसे फ्रंटियर्स यानी बॉर्डर्स पे पड़े हैं, लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, बहुत बुरा हाल चल रहा है। बाई नेचर ऑफ देयर हार्ड वर्क दे कुड सेट डाउन रूट्स ऑन ए पीस ऑफ एक्सपेंसिव लैंड ओपन टू होम स्टीकर स्ट्रीडर्स एंड पियोनियर्स। तो
तो एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ, उनके जो रूट्स हैं उनका जो एक्सपेंशन है बहुत बढ़ता चला गया, एंड दे कुड गेट ग्रेट पीपल, पियोनियर्स माने जो आपको रास्ता दिखाते हैं, वन साधु या फिर हु प्रीचेस, जो फिलोसफी बताते हैं उनको हम पियोनियर्स कहते हैं. दिस आइडिया ऑफ द अमेरिकन ड्रीम वॉज रादर कॉम्पिटिटिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक. इंडिविजुअलिस्टिक कैसे हुआ, पीपल फॉट अदर्स टू ओन ए पीस ऑफ लैंड फॉर देमसेल्स. अभी आइडिया थोड़ा कैसे हुआ, पहले तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, फ्रीडम सब कुछ हुआ. देन बिकॉज दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर फ्रंटियर्स, देयर ड्रीम चेंज्ड अ बिट. नाउ अब क्या हो गया, वो इंडिविजुअली अपने फुलफिलमेंट के लिए, लैंड एक्वायर करने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं. द 18th सेंचुरी अमेरिकन डिस्कवर्ड ए शेयर्ड ड्रीम इन विच सिटीजन्स वर्क टुगेदर टू मेक लाइफ बेटर फॉर द अमेरिकन मासेस. फिर बाद में अमेरिका ने डिस्कवर किया कि उन्होंने एक ही ड्रीम शेयर किया है जहाँ पर सारे सिटीजन्स मिलके एक बेटर लाइफ वो जी सके. फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट्स न्यू डील प्रोग्राम्स प्रॉमिस्ड सेफ हेल्दी फ्यूचर्स फॉर एवरी अमेरिकन, ए न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अमेरिकन ड्रीम. तो फ्रैंकलिन ने ये बताया, डिक्लेयर किया, बताया कि एक नया प्रॉमिस आपको, नया सेफ, नई ज़िंदगी, अच्छा फ्यूचर मिले. मैनी पीपल हु एनकरेज अमेरिकन टू गेट इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर टू डिड सो बिलीविंग दैट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजर्व देयर चांस टू रियलाइज द अमेरिकन ड्रीम. पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर अलाउड अमेरिकन टू पुट देयर नेशनल कंसेंट ऑफ आइडियलिज्म ऑन डिस्प्ले फॉर द वर्ल्ड. अमेरिकन फाइटिंग. तो यहाँ पर देखिए, जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो अमेरिका ने कहा कि हमें दूसरे देशों को कहा कि आके जुड़ो, अगर आप लड़ाई में शामिल होंगे तो हम आपको भी बहुत आज़ादी वाले ख्याल, या फिर आज़ादी भरा देश होगा, सब समृद्ध होगा, सब कुछ इस तरह से. तो लोगों को भी जोड़ा, अपने खुद के लोगों को भी जोड़ा लड़ाई में. इन द वॉर वर फाइटिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम विच वॉज समड अप बाई FDR एज अ पोजिशन ऑफ फोर एसेंशियल फ्रीडम. तो FDR ने क्या कहा, फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि फोर एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें पोजेस करनी चाहिए, होनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर. ये चार चीज़ों से हमें फ्रीडम चाहिए. पीपल हु कुड फीड देयर फैमिलीज, कीप देम सेफ, वर्शिप एज दे प्लीज एंड से हाउ दे फेल्ट वर लिविंग द अमेरिकन ड्रीम, ही सेड. अमेरिकन ड्रीम बोले वही सोच सकते हैं जो ये अपनी फैमिली को सेफली फीड कर सके, सेफ रख सके, उनको खिला पिला सके, उन वर्शिप जो उनको भगवान जो चाहिए वो वर्शिप कर सके, तो वो लोग वो ड्रीम देख रहे हैं. आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड मैन रिटर्न फ्रॉम द वॉर विद ए न्यू अमेरिकन ड्रीम इन माइंड. अब सिनेरियो देखिए, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो सोल्जर्स या लोग जो हैं वापस अपने घर आ रहे हैं. अमेरिकन्स फ्रेंटसाइज अबाउट होम्स फिल्ड विद हैप्पी फैमिलीज हु वेकेशन एवरी समर. तो उनके ख्याल में क्या था कि हम जब जाएंगे तो हमारा घर हरा भरा, फला फुला, खुशहाली से होगा और हम गर्मियों में छुट्टियाँ मनाएंगे. वेटरन्स यूज द GI बिल टू ऑब्टेन लो इंटरेस्ट mortgages on homes resulting in a building room and the creation of suburbs across the United States. तो यहाँ पर GI बिल ऑब्टेन लिया गया जिसकी वजह से उन लोगों को है ना कम टैक्स में घर वगैरह मिलना शुरू हुआ. द अमेरिकन ड्रीम बिकेम क्लोजली टाइड टू होम ओनरशिप एंड द अमेरिकन मार्केट प्लेस फील्ड अप विद प्रोडक्ट्स टू हेल्प इम्प्रूव लाइफ एट होम. तब घर बनाने का आ गया ओनरशिप, जहाँ पर घर में सारी फैसिलिटी हो, उस तरह से वेल बिल्ट होने लग गया. द अमेरिकन ड्रीम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आइडियल दैट रैलीड ऑन पीपल बीइंग एबल टू अफोर्ड ऑल द मॉडर्न नेसेसरीज. तो अब क्या हो गया, अमेरिकन ड्रीम फिर से चेंज हुआ. अब क्या आइडियल बन गया कि हर एक अमेरिकन जो है मॉडर्न एसेसरीज से भरा हुआ हो, उसके घर में कार हो, टेलीविजन सेट्स हो, कॉलेज एजुकेशन हो अपने बच्चों के लिए. टेलीविजन ग्रेटली हेल्प डिफाइन द अमेरिकन ड्रीम एज द एक्विजिशन ऑफ मटीरियल गुड्स. तो TV ने क्या बताया उनको, TV ने ये बताया कि हम कैसे मटीरियलिस्टिक हम अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं. अमेरिकन ड्रीम ऑफ लिविंग आइडियल लाइव्स लाइक दोज पोर्ट्रेड इन शोज सच एज लिव इट टू बीवर एंड फादर नोज बेस्ट. इन शोज़ के जरिए काफ़ी इंस्पायर हुए लोग. मैंने अमेरिकन फ्यूल्ड देयर परचेज ऑफ द न्यू अमेरिकन ड्रीम विद क्रेडिट कार्ड्स, ए चॉइस दैट इवेंचुअली अफेक्टेड द स्टेट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम. बाद में कह रहे हैं कि ये जो कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड्स, ये थोड़ा सा अफेक्ट किया उनके इसमें. द मॉडर्न अमेरिकन ड्रीम एज मोर पीपल यूज क्रेडिट टू परचेज गुड्स, अमेरिकन्स आर अश्योर्ड ए लॉट ऑफ डेट. कीपिंग अप विद द अमेरिकन ड्रीम वॉज ग्रोइंग इन ए कॉस्टली एंडेवर. जस्ट अ मिनट गाइस. इसके अलावा मैं एक बार अमेरिकन ड्रीम जो है, मैं एक और चीज़ देखना चाहती हूँ. जस्ट अ मिनट. Thank you.
यहाँ पर एक और भी है मेरे पास बच्चों, जो कि मैंने एक और फोल्डर देखा था, तो इसमें हम राइटर्स का नाम ले रहे हैं। सो आई फील जो फ्रंटियर के ऊपर लिखा किसी ने, क्योंकि हमें राइटर्स का भी बताना होगा, तो उसमें क्या है, हमें विजुलाइज़ हो रहा है कि अमेरिकन ड्रीम क्या था, वो चीज़ पता लग रही है हमें। तो ये मैं यहाँ पर एंड करूँगी इस वीडियो को, बिकॉज़ आई वॉन्ट टू मेक इट अनदर वन।